उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग के क्षेत्र में नया प्रवेश करने वाला बैंक है, जो 2017 से ही कारोबार में है। केवल 7 वर्षों में महत्वपूर्ण पैमाने पर पहुंचने के बाद इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना नाम बना लिया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अब बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्थापित खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दुर्ग में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की दुर्ग शाखा में बैंक का 7वां स्थापना दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बैंक हो तो उज्जीवन बैंक जैसा हो, फायदा जिसमें हर किसी का हो। जो भी इस बैंक में अपना खाता खुलवाएगा उसका जीवन सुखमय बादशाह की तरह हो जाएगा। जी हाँ, मालवीय नगर स्टेशन रोड दुर्ग में संचालित उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अल्प समय में उपभोक्ताओं की कसौटियों पर खरा उतरते हुए अपनी अलग ही पहचान बना चुका है और आज अपना 7वां स्थापना दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 7वें स्थापना दिवस पर बेटी बचाओ मंच की जिलाध्यक्ष व ऑल इंडिया लीनेन ऑर्गेनाइजेशन की वॉइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रश्मि अमित अग्रवाल, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार रौनक जमाल, समाज सेवी व कुशल व्यवसायी कैलाश जैन बरमेचा, रूपेश राय, आकाश शर्मा और समस्त बैंक के स्टाफ शामिल रहे। इस दौरान केक काट कर यहाँ पर खुशियाँ मनाई गयी। बैंक के 7वें स्थापना दिवस पर पहुंचे अतिथियों और साथ ही खाता धारकों ने शुभकामनाएं देते हुए प्रतिक्रिया दी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, इन्होंने इस अवसर पर हमें आमंत्रित किया और बैंक के सभी कर्मचारियों को और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आपके 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। और आजकल बैंक हर कार्यों के लिए हम बैंकों के ऊपर निर्भर हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बैंक के ऊपर निर्भर है। मैं आपसे बस इतना अनुरोध करना चाहती हूँ बैंक के जो भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, कि जो गरीब लोग आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, उनके साथ सहानुभूतिपूर्व व्यवहार करें। अगर वो किसी परिस्थिति को नहीं समझ पाते, बैंक की गतिविधियों को नहीं समझ पाते, मैं ये नहीं कह रही कि आपके बैंक में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे बैंकों में मैंने ऐसा महसूस किया है, इसलिए मैं बस इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करें, आपका बैंक बहुत प्रगति करे। धन्यवाद, जय हिंद। मेयर साहब और इस बैंक के सभी कर्मचारियों को बैंक की 7वीं सालगिरह के लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं चूँकि अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हूं तो 2 पंक्तियां आज इस बैंक के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं। मुलाहिज़ा फरमाइए, बैंक हो तो उज्जीवन जैसा हो, फ़ायदा जिसमें हर किसी का हो, जो भी यहां खाता खुलवाएगा दुआ है उसका जीवन बादशाह जैसा हो जाएगा, बादशाह जैसा हो जाएगा। मैं इस बैंक पे कम से कम एटलीस्ट दैट सिंस लास्ट 3 ईयर्स दैट मैं यहाँ ज्वाइन किया है। इसमें जो वट एवर जो कुछ बोला है, रिस्पेक्टेड ऑल दिस दैट सीनियर पर्सन मैनेजर्स ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज एवरीथिंग ट्रू एंड इट इज ट्रस्टेबल। बट आई हैव सीन इट दैट वट एवर दैट ट्रस्ट द बैंक दैट्स वट इज द सर्विस इन पॉइंट ऑफ व्यू सर्विस एज वेल एज ए सीनियर सिटीजन दैट्स वी आर हैविंग that FD also and FD whatever interested they are providing that is satisfactory, as well as that as well as my head office journal office head office requested what is the FD, there is some penalties there, and penalty is that suppose in premature penalty that is 1%, but they can reduce it that 0.5%. so many others banks such types of they are offering that 0.5% also and it is the benefit of the customer. दिस मेरा ये जो पॉइंट है, जो 1% जो पेनल्टी है इसको रिड्यूस करके 0.5% किया जाने से जो कस्टमर है दे विल बी दैट सेटिस्फाइड एंड दे विल बी बेनिफिटेड इन दिस मैटर। थैंक यू। क्लस्टर हेड माइक्रो बैंकिंग छत्तीसगढ़ डील करते हैं हम। जी सर, तो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हमारा जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये बिलोंग करता है बेंगलुरु से। हमारे MD सर हैं मिस्टर समित घोष सर, जिनकी बैंक के फाउंडर हैं और समय MDC और चेयरमैन की बात करें तो संजीव नोटियाल सर, जो समय डायरेक्ट कर रहे हैं बैंक को। ओवरऑल ब्रांचेस की अगर बात की जाए तो उज्जीवन के पास इस समय 691 ब्रांचेस है अक्रॉस पैन इंडिया, अगर उसकी बात करते हैं आप तो, और अक्रॉस हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर करने की कोशिश की है। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगराइज की बात अगर की जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, हम ऐसे कस्टमर्स और ऐसे सेगमेंट को ट्रीट करना चाहते हैं जो पीपल अंडर सर्व्ड हैं,
जो कस्टमर्स हमारी बैंक की फैसिलिटीज़ से दूर हो जाते हैं, जिनको बैंक की फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाती हैं, हमारे सर पीएम नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएट से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की नींव रखी गई थी, उसमें से हम एक हैं जिसको 2016 में 10 बैंक्स को लाइसेंस मिला था। लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन और भी टाइप्स ऑफ बैंक हैं जिसमें से उज्जीवन एक है। तो हमारा कस्टमर सेगमेंट ग्रुप लोन, समूह लोन, जैसा कि आपको रुपेश जी ने बताया, कस्टमर को बेनिफिट्स की बात करें तो हम उन कस्टमर्स को अंडर ट्रीट करना चाहते हैं जो हमारे स्ट्रीट वेल्डर्स होते हैं और जिन कस्टमरों को बैंकिंग की फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं मिल सकती, जो कस्टमर कहीं पे भी कोई लोन नहीं पा सकता। आज के डेट में आप समझ सकते हैं कि साहूकारों के चक्कर में और भी बड़े बड़े लोगों के चक्कर में जो लोग ब्याज, अधिक ब्याज दर में परेशान हो जाते हैं, उन कस्टमरों को हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के तौर पर। शुरुआती दौर में जो हमारे इस जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो ग्रोथ किया है हर पैरामीटर में, चाहे कस्टमर सर्विस से लेके, डिसबर्समेंट से लेके, बैलेंस शीट से लेके, सेविंग्स अकाउंट्स में जो हम जो रेट देते हैं, एफडी में रेट जो देते हैं, जो सीनियर सिटीजन को रेट प्रोवाइड करते हैं, या फिर मैं बोलूँ सीनियर सिटीजन को जो स्पेशल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं मेंटेनेंस फ्री, जिसमें किसी भी तरह की चार्जेज नहीं है, मेंटेनेंस को, SMS अलर्ट को कोई भी हमारा बैंक चार्जेज नहीं लेता, मिनिमम बैलेंस का भी कोई कंडीशन नहीं है। अगर FD करते हैं, RD करते हैं उस खाते में, और सेविंग्स अकाउंट में भी फंड रखते हैं कोई भी हमारे कस्टमर, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई प्रीमियम कस्टमर और कोई नॉर्मल कस्टमर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सब कस्टमर सेम है। और सारे कस्टमर को हम मैक्सिमम रेट सेविंग्स अकाउंट में 7.5% ऑफर करते हैं, जो हाईएस्ट है, जो कहीं ना कहीं आप अदर बैंकों के FD रेट देखेंगे वो हम सेविंग्स में प्रोवाइड करते हैं, अबव 5 लाख या अबव 25 लाख जो हम रेट देते हैं वो अदर बैंक के FD के मुकाबले हम सेविंग्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बात करूँ मैं FD की तो भी हमारा FD में हाईएस्ट 8.25, 8.75। बात 7 साल की है तो हमारे 7 साल में जो बैंक ने या फिर जो मार्केट ने जो सोचा था होगा कि स्मॉल फाइनेंस का जो फ्यूचर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जब हमको लाइसेंस मिला था और आज जिस मुकाम पे हम हैं तो बहुत डिफरेंस है। बहुत इतना कोई सोचा नहीं था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो भी स्पेशली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में लीडिंग में है, हम फ्रंट में लीड कर रहे हैं हर पैरामीटर पे। मैं स्टार्टिंग में ही बोला आपको, चाहे सर्विस की बात हो, चाहे रेट की बात हो, चाहे अकाउंट मेंटेनेंस या अदर फीचर की बात हो, जो आज के डेट में कस्टमर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बड़े अकाउंट खोल देते हैं, मेंटेन नहीं होते और मिनिमम बैलेंस को लेके चार्जेस डिडक्ट होते रहते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मैं सीनियर सिटीजन की बात करूँगा, चाहे बच्चों की अकाउंट, माइनर अकाउंट की बात करूँगा, वो भी हम मेंटेनेंस फ्री देते हैं। अदर बैंक जो हाई वेरिएंट में अकाउंट खोलते हैं, हायर अमाउंट मिनिमम बैलेंस रखते हैं, हमारे यहाँ 5000 में है, 25000 में के अकाउंट में जो हम फीचर देते हैं आपको, जिसमें कार्ड में एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस सारी चीज़ें फ्री है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अभी तक का जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर था, मैं बोलूँ किसमें सर, अबव 5000 अकाउंट लाइव है मेरे, जहाँ पे अभी आप लोग खड़े हैं वहाँ पे, सिर्फ दुर्ग ब्रांच की बात कर रहा हूँ। हमारी ब्रांच आज से 7 साल पहले 27 सितंबर 2017 को ऑपरेशनली चालू हुई थी। लाइसेंस तो हमको उसके पहले मिल गया था, लेकिन 27 सितंबर 2017 से हमारी ऑपरेशन लाइव है सर। उज्जीवन बैंक का कस्टमर पिछले 5 सालों से हूँ मैं, 5-6 बैंक से ऑपरेशंस में हूँ, अकाउंट्स वगैरह में और FDs वगैरह में। मैंने सबसे अच्छा उज्जीवन बैंक को ही पाया। इनका क्या लगा जो आपने सबसे अच्छा पाया? पिक एंड ड्रॉप। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आज 77 इयर्स के एज पर मैं बैंक आना या कुछ लेके जाना कुछ बहुत मुश्किल वाला काम होता है। चेक भी डिपॉजिट करना, हम यहाँ बैंक में फ़ोन करते हैं, हमारे घर पर आदमी आता है और चेक ले जाता है। और भी इस तरह की बहुत सी सर्विसेज हमको बैंक से मिल जाती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। कभी कभी हमको FD को इंस्टेंटली तुरंत उसको इनकैश कराना है तो 15 मिनट के अंदर वो बैंक जो है इंकैशमेंट करके हमको पैसे यहाँ पे दे देता है, घर बैठे सुविधा आपका, बहुत सी सुविधा मिल जाती है हमको। तो हमको तो सबसे अच्छा लगा और बैंक को मैं शुभकामनाएं हैं हमारी, इसी तरह से बैंक ग्रो करते रहें और सीनियर सिटीजन को और भी अच्छी फैसिलिटी देते रहें। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की कार्यप्रणाली इतनी पारदर्शिता है, यही कारण है कि ग्राहकों को इससे काफी संतुष्टि है। यही कारण है कि शहरवासियों की पहली पसंद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही माना जा रहा है। बहरहाल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ACN News के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।